नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का चौंकाने वाला बयान सामने आया। बयान ये है कि वो और उनकी पूरी मंत्री परिषद अगले 2 महीने तक ना तो टीएडीए लेंगे ना वेतन लेंगे। कारण क्या बता रहे हैं? कारण बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो ठीक नहीं है, सेहत ठीक नहीं है। दूसरी तरफ बात को संभालते हुए ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने जो प्रयास किए हैं कि हिमाचल की अर्थव्यवस्था बेहतर हो, वो उस पटरी पर बनी रहे, इसलिए हमने अभी सांकेतिक तौर पर 2 महीने का वेतन ना लेने, टीएडीए ना लेने का फैसला किया। उन्होंने ये भी कहा है कि जो एमएलए हैं वो भी अगर हमारे नक्शे कदम पर चलें, यानी अगले 2 महीने के लिए अपने पैसे ना लें, वेतन ना लें, तो एक अच्छी बात होगी। विपक्ष के लोगों से भी वो यही अपेक्षा कर रहे हैं। अब ये साहब तार तो घन घनाते हैं ना आपके दिमाग के ऐसी क्या नौबत आ गई कि वो ब्यूरोक्रेसी से भी कह रहे हैं कि आपके जो भी टीएडीए हैं, दूसरे हैं, वो हम देंगे, उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, पर अभी 2 महीने के लिए हम ये कर रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ है? हिमाचल प्रदेश में ऐसा कौन सा इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया है कि मुख्यमंत्री को सामने आकर के ये सब कहना पड़ रहा है? तो जैसा कि एक पत्रकार का स्वभाव होता है, वही मैंने भी किया। मैंने ये जानने की कोशिश की कि कांग्रेस शासित राज्यों की हालत इतनी खस्ता क्यों होती जा रही है, इतनी ख़राब क्यों होती जा रही है। कर्नाटक में 1200 किसान आत्महत्या कर लेते हैं, और दिल्ली में वो जो 13 महीने का तथाकथित किसान आंदोलन चला था, उसकी हिमायत करने वाले और उनके साथ खड़े हुए दिखने वाले राहुल गांधी कर्नाटक की 1200 किसानों की आत्महत्या पर जवान तक नहीं खोलते हैं, वहाँ जाते भी नहीं हैं, उनके परिवार वालों से मिलने की एक जहमत भी नहीं उठाते हैं। ये दोहरे मानदंड क्यों हैं साहब? कलकत्ता में रेप हो जाता है, बस एक ट्वीट करके आप शांत हो जाते हैं। हाथरस में कोई घटना होती है, बहन भाई कैमरे लेकर के 100 मीडिया कर्मियों की टीम लेकर के दौड़ने लगते हैं हाथरस की तरफ, 5000 लोगों की भीड़ लेकर के। ये सब नाटक नौटंकी कब तक चलेगा? और हिमाचल में जो क्राइसिस दिखाई दे रहा है, इस पर भी हम आज इसीलिए चर्चा कर रहे हैं कि ये कहीं सत्ता में वापसी के लिए जो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई थी, उनका नतीजा तो नहीं है? क्योंकि जिस जिस तरह की घोषणाएं हुई थी उसमें तो हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी। ये एक पहाड़ी राज्य है, छोटा राज्य है, उसकी कोई ऐसी आमदनियां भी नहीं है कि वो इस तरह की घोषणाओं को झेल सके। तो क्या राहुल गांधी की जो सत्ता में वापसी की ये जो सत्ता में वापसी के लिए एडामेंट दिखाई देते हैं और खटाखट वाली घोषणाएं और तमाम जो करते रहते हैं, उसका परिणाम तो नहीं भुगतना शुरू कर दिया है अब राज्यों ने? तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान, आपके चिर परिचित चेहरे, लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ भट्ट। वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार जी। नमस्कार वीरेंद्र जी, मैं देख रहा था हिमाचल प्रदेश के लिए इन्होंने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उसमें इन्होंने कहा था युवाओं को 5 लाख नौकरी देंगे, महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये देंगे, इसके अलावा 350 यूनिट तक बिजली फ्री करेंगे, पुरानी पेंशन लागू करेंगे। ऐसी लोक लुभावन घोषणाएं इन्होंने की और हिमाचल की सत्ता में वापसी कर ली, अब उसका परिणाम तो नहीं भुगत रहा है राज्य? खाली हिमाचल नहीं भुगत रहा है, ये कर्नाटक भुगत रहा है, राजस्थान भुगत चुका है, अब वहां कांग्रेस जा चुकी है, मध्य प्रदेश से कांग्रेस बहुत पहले चली गई थी, छत्तीसगढ़ से भी जा चुकी है।
इन्होंने पहला वादा किया कि हम साहब जो है नई पेंशन स्कीम को हम खत्म करेंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को लाएंगे, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि जो नई पेंशन स्कीम है ये भी कांग्रेस ही लाई थी। 1991 1 जुलाई को एक और में रिफॉर्म की प्रोसेस देश में शुरू हुई थी और उस समय ये तय हुआ था, जिसको हर सरकार आज तक मानती आ रही है, 33 साल पूरे हो गए हैं, कि सरकार अपने गैर उत्पादक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को घटाएगी और ऐसे उत्पादक व्यय पे जोड़ देगी जिससे इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो। 2004 1 अप्रैल से नई पेंशन स्कीम लागू हो गई और 2013 में पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल पास हुआ पार्लियामेंट से। मनमोहन सिंह ने सारे मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक बुलाई और उसमें सारे मुख्यमंत्रियों ने इसको सहमति दे दी। केवल 2 राज्यों ने लागू नहीं किया, उस समय त्रिपुरा में सीपीएम सरकार ने लागू नहीं किया और ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया। बाद में उसको त्रिपुरा ने भी मान लिया और आज केवल 1 राज्य है बंगाल जहां ये लागू नहीं है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि अभी जो व्यक्ति जो कर्मचारी 1 अप्रैल 2004 के पहले नौकरी में आए हैं वो जब रिटायर होंगे तो राज्य सरकार अपने अपने खजाने से अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से उनको पेंशन देगी और साल में 2 बार उनको महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। नई पेंशन स्कीम में ये किया गया है कि साहब इसमें जो है राज्य कर्मचारी का भी अंश होगा, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का भी अंश होगा और वो पैसा जो है उसके खाते में PFRDA में जमा होगा और उसका अराउंड साल में 13-14% रिटर्न आएगा। लेकिन उसका एम्प्लॉय ने विरोध किया कि इसमें उनका नुकसान हो रहा है। तो पिछले वर्ष सितंबर में जो उस समय वित्त सचिव थे TV सोमनाथन, जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी बन गए हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उस कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसके आधार पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू की गई है। उसमें 2 नई बातें की गई हैं जो एम्प्लॉय की मुख्य मांग थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम में हमें एश्योर्ड पेंशन मिलेगी बेसिक सैलरी का 50%, जो न्यू पेंशन स्कीम में नहीं है। और नई स्कीम में ये भी कर दिया गया है कि पिछले 12 महीने रिटायरमेंट के जो आपकी बेसिक सैलरी थी उसका आपको 50% पेंशन एश्योर्ड है। और न्यू पेंशन स्कीम में पहले स्टेट गवर्नमेंट का या केंद्र सरकार का शेयर था 10% उस एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी का। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने 2015 में उसको बढ़ाकर किया 14% और यूनिफाइड पेंशन स्कीम में उसको बढ़ाकर कर दिया है 18.5%। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में दोनों योजनाओं के दोनों एलिमेंट हैं, पहला ओल्ड पेंशन स्कीम का एश्योर्ड पेंशन और दूसरा न्यू पेंशन स्कीम का फंडेड पेंशन, यानी सरकार के ऊपर एकाएक लायबिलिटी नहीं आएगी और सरकारें राज्य या केंद्र अभी से ही कंट्रीब्यूट करती रहेंगी। राजस्थान की सरकार ने झूठ बोला और ये कहा कि साहब हम ओल्ड पेंशन लागू कर देंगे और इन्होंने लागू कर दिया और इन्होंने एम्प्लॉई का पैसा काटना बंद कर दिया और इन्होंने PFRDA पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी से कहा कि आप जो पैसा हमने आपको दिया है पिछले 5 सालों में वो हमको वापस कीजिए। उन्होंने मना कर दिया कि पैसा कर्मचारियों का आपको वापस हम नहीं दे सकते। आज पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 12 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हो चुका है, जो अगले 2 साल में 25 लाख करोड़ हो जाएगा, ये उनका एस्टीमेट है। तो लगातार झूठ बोला गया। छत्तीसगढ़ में कहा गया कि साहब कि जो राज्य सरकार अब तक 10% या 14% जो कर्मचारियों के खाते में अपने हिस्से का दे चुकी है, यदि जो कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं वो पैसा वापस कर दें तो हम दे दें। अब वो औसतन आ रहा था 20 लाख रुपया, तो उन्होंने उसको कानूनी झगड़े में फंसा दिया। यही इन्होंने झूठ बोला हिमाचल में, वहां भी नहीं दे पाए। और अब स्थिति ये है कि अभी केवल 2 राज्यों ने कहा है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करेंगे, महाराष्ट्र ने कर दिया और यूपी के मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी है कैबिनेट से अप्रूवल के बाद यहाँ भी लागू हो जाएगा और बाय एंड लार्ज एम्प्लॉई को स्वीकार है। इसमें भी कांग्रेस ने अड़ंगा लगाया कि और इसने भी कम्युनिस्टों को खड़ा किया
कि साहब इसका विरोध करो और जो है हम इसको नहीं मानेंगे, और जो कम्युनिस्टों के संगठन है ट्रेड यूनियन के C2 और ACTU AICTU इसका विरोध कर रहे हैं, जबकि AICTU का और C2 का राज्य कर्मचारियों में कोई ज्यादा दखल नहीं है। अब आते हैं कर्नाटक पर, इन्होंने कर्नाटक में क्या कहा, इन्होंने अब पिछले साल इलेक्शन में 60,000 करोड़ रुपए की नई योजनाएं फ्री इन्होंने अनाउंस कर दी। हर महिला को 1,000 रुपए देंगे, महिलाओं को जो है हम बस में फ्री यात्रा। और अगर आपको ध्यान हो, अभी लोकसभा चुनाव में प्राइम मिनिस्टर ने अपने भाषणों में कहा कर्नाटक में कि कर्नाटक परिवहन निगम पहले से ही 5,000 करोड़ के घाटे में है, और फ्री राइड देने की वजह से जो बेंगलोर की मेट्रो रेल है उसमें यात्रियों की संख्या कम हो गई। यानी एक जो संस्था पहले से घाटे में है उस पर आपने बोझा बढ़ा दिया, और एक जो संस्था फ्री ठीक चल रही थी आपने उसके बीमार होने का आधार तैयार कर दिया, यानी बेंगलोर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। ये एक तो इन्होंने ये किया। अब आते हैं केंद्र सरकार का, ये आपका लोकसभा का चुनाव, भारत सरकार का 2024-25 का बजट 48 लाख करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा है। इन्होंने जो जो मुफ्त योजनाएं जो अनाउंस की हैं अपने मैनिफेस्टो में लोकसभा चुनाव में, उनका आपको मालूम है आकार कितना है, 60 लाख करोड़। तो जनता को ये नहीं मालूम होता कि भैया ये पैसा आएगा कहां से। अब पैसा बोरो करेंगे, आप पैसा लोन लेंगे, और जब आप RBI से जब आप बॉन्ड फ्लोट करेंगे और बैंकों से कहेंगे कि इन बॉन्ड को सप्लाई करो, को आप सब्सक्राइब करो, इसको खरीदो और पैसा हमको दो, तो बाजार में जितना पैसा होगा, जितनी लिक्विडिटी होगी, वो सब गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। अब आपने जो करेंसी छाप करके आपने पैसा तो खड़ा कर लिया, अब उससे बढ़ती है महंगाई। आज लोग महंगाई महंगाई की बात करते हैं, वो ये भूल जाते हैं मनमोहन सिंह के दूसरे कार्यकाल में 9 से 14 के बीच में इन्फ्लेशन 12-13-14% तक गया है। नरेंद्र मोदी के राज में इन्फ्लेशन कभी 5% के ऊपर नहीं गया, और जो इन्फ्लेशन आपको 5% दिखता है उसकी वजह है फूड इन्फ्लेशन, और फूड इन्फ्लेशन की वजह है कभी सब्जी महंगी हो गई, कभी टमाटर महंगा हो गया, कभी प्याज महंगा हो गया, तो कभी चीनी महंगी हो गई, तो कभी जो है आलू महंगा हो गया, मौसम की वजह से फल महंगा हो गया। और दूसरी वजह है यूक्रेन वॉर, जो 2.5 साल पूरे हो गए, फरवरी 2022 में शुरू हुई थी। यूक्रेन से भारत में सोयाबीन ऑयल आता है, यूक्रेन की वॉर की वजह से वर्ल्ड के मार्केट में गेहूं की जो सप्लाई थी वो कम हो गई, तो अब जो गेहूं की सप्लाई कम हुई तो भारत में के ऊपर दबाव बढ़ा कि सब गेहूं का की एक्सपोर्ट किए, भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पे बैन लगाया। आज से 3 साल पहले यूपी की चीनी मिलें दुनिया में विदेशों में बाजार तलाशती थी, आज 2 साल से हालत ये है कि भारत सरकार ने चीनी के निर्यात पे बैन लगा रखा है, और अगर चीनी का निर्यात पे अगर सरकार बैन हटा ले तो अगर यूपी में या भारत में चीनी अगर 40-45 या 48 रुपए किलो बिक रही है तो यही चीनी यूरोप के बाजार में, एशिया के बाजार में 100 रुपए किलो बिकेगी, और इंडिया के लोगों की, भारत के लोगों को भी ये चीनी 100 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी। लेकिन फायदा किसान का होगा, और ये जो इंडी गठबंधन वाले हैं जो बड़े भारी किसान के हितैषी होने का दावा करते हैं, इस मुद्दे पे खामोशी एकदम जो है ये ओढ़े बैठे हुए हैं। नासिक का किसान पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी सरकार से इसलिए नाराज था कि आपने प्याज के निर्यात पे बैन लगा दिया। अब प्याज का निर्यात पे अगर उसको केवल 10 या 12 रुपए 15 रुपए किलो भी अगर बहुत हायर साइड में अगर उसको अपने उपज का मूल्य मिल जाता है तो वो अपने को भाग्यशाली समझता है। आज उसको 20 रुपए किलो मिल रहा है एक्सपोर्ट पे बैन होने के बावजूद। अगर प्याज के एक्सपोर्ट पे बैन ना होता तो वही नासिक का किसान 25-30 रुपए किलो का मूल्य पाता अपने प्याज पे, जो उसको औसतन मिलता है 8-10 रुपए या 12 रुपए। तो इस पे भी ये खामोश हैं। तो और सरकार बीजेपी की हो, सरकार कांग्रेस की हो, सरकार हमेशा उपभोक्ता के पक्ष में खड़ी होती है। अगर सरकार किसान के पक्ष में खड़ी होती तो गेहूं, चावल, प्याज और चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन भारत में जो महंगाई की दर है फिर वो 12-14% हो जाती, ये है असलियत। तो कांग्रेस का तो ये हमेशा नजरिया रहा है नेहरू के जमाने से कि मतदाता कुत्ता है, इसके आगे हड्डी फेंक दो
और ये अपना हड्डी चूसता रहेगा, हम 5 साल मौज मारेंगे। यही इन्होंने किया है, चाहे इंदिरा गांधी का राज हो, चाहे नरसिम्हा राव हो, चाहे मनमोहन सिंह हो। आज बात ये लोग भूल जाते हैं, यही मनमोहन सिंह जिनको अर्थव्यवस्था का जादूगर कहा जाता है कि साहब इन्होंने 91 में अर्थव्यवस्था को संभाल लिया और 10 साल पीएम रहे, यही मनमोहन सिंह 1974 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। तब इंडिया में इन्फ्लेशन 30% तक था और उस समय लोगों को याद नहीं है, रेलवे स्ट्राइक भी हुई थी मई 1974 में, और बिहार में नव निर्माण आंदोलन चल रहा था, गुजरात में आंदोलन चल रहा था। तो कांग्रेस की नीति हमेशा ये है कि नोट छापो, जनता को बांटो, और इससे जो महंगाई पैदा होती है और वो जो है जनता के लिए बहुत घातक होती है। अब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये जनता इसे संवाद नहीं कर पाते, ये जनता को अपनी बात नहीं बता पाते। कांग्रेस के लोग जो है सीधे सीधे आरोप लगाते हैं कि साहब आपने क्या विकास किया, 80 करोड़ लोगों को आप जो है गेहूं चावल फ्री बांट रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग ये नहीं बता पाते कि जो भारत सरकार 1 अप्रैल 2020 से जो फ्री खाद्यान्न दे रही है और जो कोरोना के बाद जो गवर्नमेंट ने पीएम गरीब खाद्यान्न योजना जो प्रारंभ की थी वो दिसंबर 2023 में समाप्त कर दी गई है। अब केवल राइट टू फूड के तहत जो 5 किलो पर हेड पर यूनिट जो मिलता है वो दिया जा रहा है। अब कांग्रेस ने 2008-9-10-14 में ये बहुत प्रचार किया कि हमने भोजन का अधिकार दे दिया। अरे भाई, मनमोहन सिंह के पहले भी नेहरू के जमाने से बाजार मूल से बहुत कम पे गेहूं चावल बटने की, जिसको अब राशन सरकारी गल्ले की दुकान कहते हैं, वो योजना हमारे आपके जन्म लेने के पहले से चल रही है। इन्होंने केवल ये कर दिया कि साहब राइट टू फूड एक्ट बना दिया 2013 में और साहब कह दिया कि साहब अब जो है हम आपको जो FCI की जो कॉस्ट आती है 1 क्विंटल गेहूं खरीदने की और उसको खरीद के मंडी से अपने गोदाम तक पहुंचाने की, वो 50 रुपये केजी के आसपास बैठती है और वो PDS की दुकान में 2 रुपये 3 रुपये या 4 रुपये किलो मिलता है। तो ये 3 रुपया या 4 रुपया FCI राज्यों से वसूलती है, इसको बोलते हैं इश्यू प्राइस। और फूड हो या ना हो या खाद्यान्न फ्री हो या ना हो, 2,15,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार को साल में खर्च करना ही करना है। मोदी गवर्नमेंट के खाद्यान्न फ्री किए जाने से सरकार के ऊपर कोई एडिशनल खर्चा नहीं बढ़ा, केवल जो 15 से 20 हज़ार करोड़ का जो इश्यू प्राइस पे जो पैसा FCI लेती थी राज्य सरकारों से वो नहीं लिया। लेकिन आपको याद होगा, आप तो रहे हैं हरियाणा में, FCI के पास स्टोरेज की बहुत कमी है, तो सड़क मैदान में जमीन पे पटरे लगा करके और तिरपाल से ढक करके गेहूं की स्टोरेज की जाती थी। फ्री खाद्यान्न होने की वजह से जो खाद्यान्न की लिफ्टिंग है, जो ऑफटेक है, वो 90% हो गया और आज FCI का जो गेहूं का चावल का जो वेस्टेज था वो 0 हो गया। आज तिरपाल लगा करके FCI कहीं गेहूं नहीं स्टोर करती। तो एक तरीके से सरकार के लिए फ्री खाद्यान्न से 1 पैसे का एडिशनल खर्चा नहीं आया, बर्बादी बच गई, भ्रष्टाचार दूर हो गया, जनता का कल्याण हो गया और सरकार को पॉलिटिकल लाभ भी हो रहा है। ये बात आज तक भारतीय जनता पार्टी मतदाता को नहीं समझा पाई। उत्तर प्रदेश में हो चाहे दिल्ली में हो, इनके पास प्रवक्ताओं की लंबी फौज है, लेकिन उनको इस बारे में कुछ नहीं पता है। ये अब अगर मैं बोल रहा हूं तो मेरे बारे में कहा जाएगा ये तो भाजपाई है और मोदी भक्त है, ये ऐसे ऐसे मतलब जो है भद्दे शब्दों का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये सरकार की योजना है, जो नीति है, उसकी जो डिटेल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि जनता से लुभावन वादे करो, इलेक्शन जीतो, वोट लो, फिर बाद में देखी जाएगी। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा था। मैं एक्चुअल में ये हिमाचल प्रदेश में इन्होंने चुनाव जीतने के लिए क्या क्या किया वो मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूँ। कर्जा उनके पास करीब 85 से 90 हज़ार करोड़ रुपए के बीच में है इस समय, जो उनके बजट का दुगना है। ये देखिए आप, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने प्रदेश में सरकार बनने पर हर महिला को 1500 रुपए देने, ये महीने के 1500 रुपए हर महिला को, न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने, पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करने, युवाओं को 5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया।
इनमें 1,00,000 नौकरी पहली कैबिनेट मीटिंग में ही देने का ऐलान किया गया है। बाद में जब सरकार बन गई और पूछा गया तो सुक्खू ने ही कहा था कि 1,00,000 सरकारी नौकरी हम कहां से देंगे, ये तो बहुत छोटा प्रदेश है। 1,00,000 रोजगार देने की बात कही थी, नौकरी देने की बात नहीं कही थी, यानी शुरू में ही ये अटक गए थे। इसके अलावा जो वादे किए गए थे, जरा दर्शक एक बार ध्यान से सुने, इन्होंने कहा था ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनाने के लिए भू अधिग्रहण कानून लागू करके 4 गुना मुआवजा देने का प्रावधान किया जाएगा। कांग्रेस सरकार, कांग्रेस सरकार बनने पर कृषि और बागवानी आयोग का गठन किया जाएगा, किसानों और बागवानों की सलाह पर यह आयोग फलों की कीमत तय करेगा। इसके साथ ही हर कैटेगरी में सेब पर 1 MSP घोषित की जाएगी। सोलन जिले में एक फूड प्रोसेसिंग पार्क बनाया जाएगा। डेयरी विकास, पशुपालन, मत्स्य पालन को लेकर के कांग्रेस ने कई घोषणाएं कर दी। इसमें पशुपालक से हर दिन 10 किलो दूध सरकार की ओर से खरीदना, 2 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदना, इस गोबर से वर्मी कंपोस्ट में बदलने की व्यवस्था करना, पशु चारे के लिए विशेष अनुदान और हर घर में 4 गाय तक खरीद पर सब्सिडी देने का वायदा किया गया। इसके अलावा हिमाचल में अगले 5 साल में 5,000 किलोमीटर की नई सड़कें बनाएगी सरकार। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को 1,500, मतलब ऐसी ऐसी घोषणाएं की गई हैं। जो इन्होंने असली काम किया वो तो बताना भूल गया। सुक्खू साहब की सरकार बनते पहला काम ये किया, जो अडानी की सीमेंट फैक्ट्री थी उसको वहां उन्होंने हड़ताल करा दी। जो वहां पे जितने ट्रक ऑपरेटर्स थे, जो अडानी की सीमेंट के फैक्ट्री में जो सीमेंट बनती थी वो ढोते थे और उनकी मोनोपोली थी, उन्होंने कहा कि हमारा जो आप भाड़ा दे रहे हैं उसको उन्होंने 4 गुना बढ़ा दिया। कई महीने फैक्ट्री बंद रहने के बाद बातचीत होकर के उस फैक्ट्री को चालू कराया गया। और हिमाचल में आपको मालूम है 2 ही उद्योग हैं, या तो वहाँ पे बागवानी है यानी सेब है, या फार्मास्यूटिकल है, या वहाँ पे सीमेंट है। तो और इन्होंने अडानी को बदनाम किया जबकि अडानी की फैक्ट्री बहुत जमाने से वहां चल रही है। और दूसरा, इन्होंने जो है सरकार में रहने के पहले ये अभियान चलाया था कि नरेंद्र मोदी सरकार ने अडानी एग्रो को ये सेब का व्यापार पूरा सौंप दिया है और अडानी जो है सस्ते दामों से पे जो है किसानों से सेब खरीद रहा है। और जो पहले के व्यापारी थे और जो पहले मंडी थी उसको इन्होंने धीमे धीमे वो व्यापारी व्यापार से बाहर हो गए और अडानी का एक अधिकार हो गया। लेकिन सरकार बनने के बाद आज तक न सेब उत्पादकों ने कभी अडानी के खिलाफ कभी कोई शिकायत की, न कभी सुक्खू साहब को याद आया कि भैया अडानी की कहां मोनोपोली हो गई है, अडानी कहां किसानों को लूट रहा है। और ये मोटी बात ये भूल जाते हैं कि जो व्यापारी किसानों के संग व्यापार करता है वो कभी किसानों को लूट करके स्वयं कभी समृद्ध हो ही नहीं सकता। अगर समृद्धि दोनों की होगी, वो चाहे गन्ना किसान हो चाहे वो आपका गुड़ का व्यापारी हो, अगर किसान माल नहीं अगर उत्पादन करेगा तो व्यापारी खरीदेगा क्या, व्यापारी बेचेगा क्या। तो व्यापारी भी चाहता है कि किसान की भी समृद्धि हो। तो ये इन्होंने जो किया है ये केवल यही कर रहे हैं कि वोट लो कई तरीके से। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इंदिरा गांधी आवास योजना 1985 से चल रही है। उसके पहले जब इंदिरा गांधी पहली बार 1966 में प्राइम मिनिस्टर बनी थी, 1966 में, तब से ग्रामीण आवास योजना चल रही है और उसको 85 में राजीव गांधी ने इंदिरा आवास योजना दिया। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी की सरकार में 4 करोड़ आवास बन के दे दिए गए और उन्होंने तीसरी बार सरकार बनने के बाद 3 करोड़ आवास की स्वीकृति और दे दी है। पूरे मैं केवल यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी में कहीं से भी एक आध जगह ये शिकायत आई है कि ग्राम प्रधान ने या पंचायत सेक्रेटरी ने पहली तीसरी किस्त देने में पैसे मांगे, लेकिन बाय एंड लार्ज ये स्कीम 99% सफल रही है और पूरा पैसा सरकार ने दिया है।
और इनकी दूसरी परेशानी ये है कि पिछले 10 साल में, जैसे कल ही खबर आई है कि जनधन योजना में करीब 51 लाख, करीब 52 करोड़ खाते नए खुले हैं, और उन खातों में आज जो पैसा जमा है वो लगभग 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा उन खातों में जमा है। और ये कहते थे ये योजना हमने भी चलाई थी। भाई ठीक है, आपने चलाई थी, लेकिन जिस तरीके से उसको मिशन मोड में पॉलिटिकल तरीके से चलाया नरेंद्र मोदी ने, आप नहीं कर पाए। और दूसरी बात जो बीजेपी अपने लोगों को बता नहीं पाती, हालांकि पीएम ने कहा था इलेक्शन कैंपेन में कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 38 लाख करोड़ रुपया पूरे देश में जनता को भेजा, लोगों के खाते में भेजा गया। और 1 अप्रैल 2020 से 30 जून 2024 के बीच में लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का गेहूं चावल निशुल्क बट चुका है। और इसको निशुल्क कहना गलत है, इसलिए गलत है कि वो निशुल्क हो या सरकार मिनिमम 3-4 रुपए का दाम ले, तो भी सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक साल में खर्च करना पड़ेगा, 2,15,000 करोड़ रुपया। जब तक कोरोना था इस पे खर्चा बढ़ गया था, लेकिन अब कम हो गया है। अगले सवाल पर आते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ इनके झूठ चल क्यों रहे हैं। वो 8,500 खटाखट हर महीने पहली तारीख को आपके खाते में, और शुरू में तो हमने देखा था कि लखनऊ से लेकर के और बेंगलुरु तक में लंबी लंबी लाइनें लगी थी, लोग वो जो फार्म भरवाए गए थे कि साहब अब ये फार्म तो हमने भर दिए थे, अब पैसा दीजिए, तो उनको गोलमोल जवाब दे दिए गए। इनके झूठ चल कैसे जाते हैं, बार बार ये एक्सपोज हो रहे हैं। 1971 में इंदिरा गांधी का नारा था गरीबी हटाओ, और इंदिरा गांधी अपने चुनाव सभाओं में कहती थी मैं कहती हूँ गरीबी हटाओ और विपक्ष कहता है इंदिरा हटाओ। क्या आज किसी को याद है कि ये धोखा इस देश के मतदाताओं के साथ इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस ने किया था? क्या किसी को याद है? किसी को याद नहीं है बात ये। और लोगों को केवल, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, 2012-13-14 में जो क्रूड ऑयल का दाम जो था वो $100 पर बैरल के ऊपर चला गया था, उस समय केंद्र सरकार ने ऑयल कंपनीज को करीब 4 लाख करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी कर दिए थे, और उनसे कहा था कि आप जो है दाम कम रखिए, 70 रुपए पे रखिए। भारत सरकार उन बॉन्ड का भुगतान आज तक कर रही है। अगर आप हुंडी दे देंगे और उस पे 14% ब्याज भी दे रही है, लेकिन आपने पेट्रोल के दाम और दाम डीजल के कब रखे। नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल 2 या 3 बार जो है कस्टम ड्यूटी क्रूड पे कम की है, एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे कम की है, बाकी पेट्रोल पे जो असली टैक्स है वो राज्य लगाते हैं वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार ने कभी आज तक ये झूठ नहीं बोला कि हम सब दाम कर देंगे, तो हम दाम कम कर देंगे। तो लोगों को केवल हर चीज सस्ती चाहिए, फ्री चाहिए, वो ये जानना नहीं चाहते कि दुनिया में फ्री कुछ नहीं होता, सरकार के पास कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा होता, सरकार केवल आपके केवल देश के धन की वो एक मैनेजर है, सरकार एक कस्टोडियन है, जो काम RBI के माध्यम से या सेंट्रल बैंक के माध्यम से करती है। सरकार केवल नीतियों को बनाकर, और अर्थव्यवस्था के दो हिस्से होते हैं, एक मॉनेटरी इकोनॉमिक्स और एक फिस्कल इकोनॉमिक्स। मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में आप वेल्थ क्रिएट करते हैं, यानी जो 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 मैंडेट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, और जो फिस्कल इकोनॉमी यानी जो जो सरकार के पास साधन है उनको किस मद में कैसे खर्च किया जाएगा और किसको कितना पैसा दिया जाएगा। और आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से बात करिए, RBI की रिपोर्ट्स देखिए और फाइनेंशियल अखबारों के सीनियर लोगों से बात करिए, भारत में 5% के अंदर इन्फ्लेशन रहना अपने आप में चमत्कार से कम नहीं है। और अगर आप पी चिदम्बरम की याद करिए तो ये मई 2020 से लगातार कह रहा है कि सरकार को जनता के हाथ में नकद देना चाहिए, पुट मनी इन दी हैंड ऑफ पीपल। अगर केंद्र सरकार ने ये किया होता तो आज भारत में महंगाई 20% पे होती। डोनाल्ड ट्रंप ने 20 और 21 में अमेरिका में $14 trillion लोगों को कैश हैंडआउट दिया था, $14 trillion। हमारा आज का GDP केवल 4 trillion है, और उसके बाद जब महंगाई बढ़ी
तो हर देश में जो होता है केंद्र सरकार या उस देश का जो 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 रेगुलेटर है या सेंट्रल बैंक है, जैसे जो हमारे यहाँ RBI है, वो सरकार वो बाजार से मुद्रा को वापस लेता है, वो खींचता है और उससे और वो और इसके लिए वो ब्याज दरें बढ़ाता है ताकि लोग ब्याज कम लें, ताकि लोग लोन कम लें क्योंकि ब्याज दरें ज़्यादा हैं। और जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी, दुनिया भर के स्टॉक मार्केट में जो जो डॉलर इन्वेस्टेड था वो सारा वापस अमेरिका पहुंच गया, और दुनिया भर के गरीब देशों की सारी जो 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 करेंसी है वो कलैप्स कर गई, और उन सारे देशों में महंगाई में आग लग गई। केनिया में कितना बवाल हुआ है कि तो अभी पार्लियामेंट में जब सरकार ने $100 बिलियन के नए टैक्स लगाए थे तो वहाँ कितना उपद्रव हुआ था। अंततः भयानक हिंसा के बाद सरकार को वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। लेकिन भारत से भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो जो फॉरेन के हैं FIIs, उन्होंने पैसा निकाला और उन्होंने कहा कि हमें अमेरिका में इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है, इंडिया में कम मिल रहा है, वो सारा पैसा यहाँ से भाग गया। लेकिन वीरेन जी, वीरेन जी, हमारे हमारे नहीं गया, ये बात को जानना नहीं चाहते। हमारे देश के कई राज्य आकंठ कर्ज में डूबे हुए हैं, और इनमें से अधिकांश राज्य जो हैं वो घर गैर भारतीय जनता पार्टी रोल्ड स्टेट हैं, और इनमें जो कर्ज की स्थिति है अल्टीमेटली तो वो देश के सिर पर कर्ज है ना। तो जैसे श्रीलंका कोलैप्स किया गया कर दिए कर गया था, कुछ दूसरे कंट्रीज को हमने देखा, पाकिस्तान का क्या हो रहा है, पाकिस्तान का पाकिस्तान हो रहा है, पाकिस्तान का क्या हश्र है, ये सबने देखा है। तो ये पॉलिटिकल पार्टियां कब समझेंगी इन चीजों को और अपनी जिम्मेदारियों जनता को? केवल ये करना चाहिए कि आप हमें केवल ये बताइए, ये जो आप हमें फ्री बिजली देने, जो जैसे यूपी में कल को अखिलेश यादव कहें कि हम 27 में आए पावर में तो फ्री बिजली हम देंगे, तो जनता को उनसे ये पूछना चाहिए कि यूपी पावर कॉरपोरेशन का आज की तारीख में जो संचित घाटा है वो 1,00,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। तो जरा आप हमको ये बता दीजिए कि 1,00,000 करोड़ रुपए के घाटे के बावजूद ये फ्री बिजली आपके देंगे कैसे, ये कोई नहीं पूछता। आप देंगे 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 लेकिन लाएंगे कहां से, ये बात कोई नहीं पूछता। और आपको अगर ध्यान हो तो लेकिन लेकिन पब्लिक की भी तो पब्लिक की ये पब्लिक की भी तो कमजोरी और कमी है भाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, माइक पर आकर के केवल बखलोली करते हैं, और केवल ये कि हम बिजली फ्री कर देंगे, हम पानी फ्री कर देंगे, हम ये फ्री कर देंगे, हम महिलाओं को फ्री में बस में यात्रा करा देंगे, केवल इस बल वादे पर दिल्ली की जनता धका धक इनकी सरकार बनाई जा रही है। केवल आपको यूपी का एक उदाहरण दे रहा हूँ। योगी जी के आने के बाद पिछले जब वो सत्ता में आए थे तब यूपी पावर कॉर्पोरेशन के पास जितने 33/11 केवी सबस्टेशन थे, इनके पास जो बिजली बांटने की क्षमता थी वो मात्र 17,000 मेगावाट से कम थी। आज वो 30,000 मेगावाट से ज्यादा है और इस फाइनेंशियल ईयर के अंत में वो 32,000 मेगावाट पहुंच जाएगी। अब स्थिति ये है यूपी पावर कॉर्पोरेशन में, वो अपना नियमित पेमेंट करता है कोल इंडिया लिमिटेड को, वो अपना पेमेंट करता है NTPC को, वो जो बिजली खरीदता है वो नियमित भुगतान करता है रेलवे को, जो जो उसको देना पड़ता है कोयले के भाड़े के रूप में, वो अपना नियमित भुगतान करता है जो उसको ब्याज देना है राज्य सरकार को या अन्य संस्थाओं को या जो उसने लोन ले रखे हैं। अब सरकार के ऊपर वो निर्भर नहीं है। अब कल को ये बोल देंगे कोई सपा कोई अपोजिशन पार्टी कि साहब हम बिजली आपको फ्री दे देंगे, तो ये और पिछले 5 सालों से यूपी में पावर टैरिफ में हाइक नहीं हुआ है, तो ये जो फ्री आप देते हैं। दिल्ली का मामला इसलिए अलग है कि दिल्ली में 100% पावर कनेक्शन मीटर्ड है। दिल्ली में आपके पास एक और दिल्ली में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्राइवेट कंपनीज के हाथ में है, तो वहां पे और दिल्ली में पावर अगर आपने 200 या 300 यूनिट अगर फ्री किया है तो उसका लाभ उपभोक्ता को कम मिल रहा है, प्राइवेट कंपनियों को ज्यादा मिल रहा है क्योंकि उनकी बिजली बिल वसूलने की लागत जीरो हो गई और उनको एक मुश्त जो है हर तीसरे महीने या छठे महीने पैसा मिल जाता है कि साहब इतने लाख कस्टमर हैं और इतनों का बिल जो है ये 300 यूनिट के नीचे है, इतने 100 करोड़ रुपए हमको दे दीजिए।
तो दिल्ली में चल जाता है, लेकिन एक बड़े राज्य में यूपी में, तमिलनाडु में, बंगाल में, पंजाब में अगर आप ये योजना लागू करेंगे तो आप इसको जो है एक एक कस्टमर का हिसाब नहीं रख सकते और आप जो है वो व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी। पंजाब की बिजली की हालत बहुत खराब है वो पैसा नहीं दे पा रहे अपना, वो केवल कर्जा लेके पूरा कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने अभी लोकसभा चुनाव के पहले ये फ्रीबीज और ये रेवड़ी को मुद्दा बनाया था, उन्होंने कहा था कि ये जो है पैसा और ये उन्होंने करके दिखाया। भारत सरकार ने आप देखिए, फ्री खाद्यान्न के अलावा वैक्सीनेशन फ्री आपका हुआ, पीएम आवास योजना, शौचालय था और फ्री बिजली कनेक्शन था, और आपका पीएम किसान सम्मान योजना में अब तक 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर जा चुका है, आयुष्मान भारत में पैसा दिया गया, और कोरोना काल के दौर में तमाम जो है कैश जो है हैंडआउट दिए गए लेबर को। लेकिन भारत सरकार ने अपना जो है जो बजट घाटा है वो लगभग हो गया था 6%। भारत सरकार ने हैविली बोरो किया, और आप सोचिए कि 23-24 में भारत सरकार ने पुराने कर्जों पर जो ब्याज अदा किया है वही 18 लाख करोड़ था। तो और लेकिन जीएसटी के माध्यम से जो सरकार की आय बढ़ी है, जो टैक्स की आय बढ़ी है, 2023-24 में जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है जीएसटी से वो 20 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का हुआ है। टैक्स चोरी बहुत कम हुई है, डायरेक्ट टैक्स करीब 19% बढ़ा है। इस नाते भारत सरकार ने ये इन योजनाओं के लिए पैसा जुटाया। जो मैंने योजनाओं का नाम गिनाया, इसके लिए भारत सरकार ने कर्जा नहीं लिया। सरकार ने जो कर्जा लिया वो केवल लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, रेलवे के लिए, हाईवेज के लिए, एयरपोर्ट के लिए, पोर्ट के लिए, पावर ट्रांसमिशन लाइन के लिए या सोलर एनर्जी के लिए कर्जा इसके लिए लिया गया। तो और अगर NHAI कर्जा ले रही है, अगर रेलवे कर्जा ले रही है, तो उसमें गवर्नमेंट की गारंटी है, लेकिन उसके भुगतान की जिम्मेदारी भारत सरकार की नहीं है, वो जिम्मेदारी तो NHAI की ही है। वीरेन जी, उसके तो पैरामीटर होते हैं कि आप कितना प्रतिशत कर्ज ले सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार और जोड़ दूं, पूरे देश में करीब 3000 के आसपास टोल प्लाजा हैं, और अक्टूबर के 20 के पहले एक महीने में 150 से 180 करोड़ रुपए का टोल कलेक्शन हो रहा था। 23-24 में हर महीने 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टोल कलेक्शन हुआ एक महीने में फास्टैग आने के बाद, और आज लगभग 5 करोड़ गाड़ियों को, ट्रक है, बस है, कारें हैं, उनको फास्टैग इन पे लग चुका है। यानी टैक्स चोरी आप सोचिए कितने बड़े पैमाने पे रोकी गई है, और 2030 तक ये पैसा जो अभी करीब 2023-24 में 64,000 करोड़ रुपए आया था, ये 1.5 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। ये और ये जितना ज्यादा पैसा आएगा उतना अधिक NHAI ये पैसा सड़कों के निर्माण में इन्वेस्ट कर सकेगी, ये कभी कांग्रेस के जमाने में सोचा ही नहीं गया। लेकिन साहब, ये झूठ बोल करके लोगों को बहकाना, फुसलाना, सत्ताएं हासिल करना और फिर ऐसे ऐसे झूठ बोलना, ये लेटरल एंट्री पर झूठ बोला गया, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई, इसमें भी SC ST और पिछड़ा और पता नहीं क्या क्या राग अलापना शुरू कर दिया गया, और सरकार भी अचानक घबरा गई, जबकि ये तो किस दौर से चला आ रहा है साहब, सैम पित्रोदा से लेकर के मनमोहन सिंह तक, और 7 में हुई थी, मनमोहन सिंह से लेकर के मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया, सैम पित्रोदा, ये सारे के सारे तो लेटरल एंट्री की ही देन है। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लेटरल एंट्री की शुरुआत तो 1957 में नेहरू के जमाने में हो गई थी, और इंदिरा गांधी के समय में भी हुई। राजीव गांधी ने तो आपको याद होगा एयर इंडिया का चेयरमैन रतन टाटा को बनाया था कि साहब जो है ये एयरलाइन बहुत घाटे में चल रही है और टाटा इसको ठीक करेंगे। और दो और जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनता है, प्रशासनिक सुधार आयोग, उसके चेयरमैन कर्नाटक के भूतपूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोली थे। उसकी रिपोर्ट 2012 में आई थी, उसमें भी इसकी सिफारिश की गई थी। मनमोहन सिंह 10 साल PM रहे, उनके जमाने में भी हुई थी, और उसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि
कि इसमें एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं दिया जाएगा, अगर योग्य उम्मीदवार आएगा तो उसको भी उसके नाम पर भी विचार किया जाएगा। और सरकार से गलती केवल ये हो गई कि आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर ने चुनाव के पहले ये कहा था कि हमने हर मंत्रालय का और सरकार का सरकार बनने के बाद अगले 100 दिन का एजेंडा तय कर दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के 100 दिन के एजेंडा में ये लेटरल एंट्री था। इस नाते उन्होंने कहा कि ये तो सरकार की नीति है और ये विज्ञापन जारी हो गया। उसके ऊपर शोर इसलिए मच गया कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया कि शेड्यूल कास्ट में जो जातियां शामिल हैं उसमें जो डोमिनेंट कास्ट हैं उनको इसका लाभ ज्यादा मिल रहा है, ये क्रीमी लेयर है, इनके लिए इस कोटे के अंदर सब कैटेगरी की जाए। अगर 21% है तो डोमिनेंट कास्ट को 5 या 8% में रखा जाए और जिन जातियों को समुचित लाभ नहीं मिला है उनको ज्यादा अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए। तो और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आने के 48 घंटे के अंदर ही केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव करके ये प्रस्ताव कर दिया कि हम डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, आपके इस आदेश को हम नहीं मान सकते। उसके बावजूद भी सरकार को बदनाम करने के लिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में और कई राज्यों में भारत बंद का आयोजन किया गया। बिहार में कई जगह हिंसा भी हुई, यूपी में भी हिंसा करने की कोशिश हुई, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ हुआ नहीं और ये मामला खत्म हो गया और बड़े जम करके बयानबाजी हुई। और यूपी में बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन मायावती जी ने भी इसके बारे में बयान दिया, जबकि सरकार ने पहले दिन से कहा था कि इस पे सरकार कुछ नहीं करने जा रही है। तो ये केवल राजनीति हो रही है। यहां मैं एक बात आपसे और कहता हूं, पूरे देश में में कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां सरकारी नौकरियों की संख्या उस प्रदेश की आबादी का 1.5-2% से ज्यादा हो। उत्तर प्रदेश में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या जिसमें शिक्षक भी शामिल है मात्र 16 लाख है। तो यदि आरक्षण अगर 100% भी कर दिया जाएगा तो ये संख्या तो 16 लाख ही रहेगी, ये 32 लाख हो जाएगी, संख्या तो नहीं बढ़ जाएगी ना। तो ये लोगों को दिमाग में समझना चाहिए कि आरक्षण का कोटा बढ़ने से नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ जाती, वो संख्या वही रहेगी। मैं और यहाँ पे जो बात आज तक मैंने कभी नहीं सुनी, मैं केवल यूपी की बात करता हूँ, यूपी में 75 जिले हैं, यूपी के किसी भी जिला मुख्यालय में, यूपी में 18 नगर निगम हैं, किसी भी शहर में मुझे आप ये बता दीजिए एक अच्छा सरकारी प्राइमरी स्कूल हो। लखनऊ में, गाजियाबाद में, नोएडा में, मेरठ में, कानपुर में प्राइवेट प्राइमरी स्कूल में केजी और या फर्स्ट क्लास या पहली क्लास के छात्र की जो महीने की जो न्यूनतम फीस है वो 1,100-1,100 रुपए है। लखनऊ में जो महंगे स्कूल हैं उनकी 6,000 रुपए है और एक की तो 11,000 रुपए है और एक की तो 25,000 रुपए है, उसकी स्कूल बस ही एयर कंडीशन है। ये समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि लोहिया कहते थे दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, तो जरा मुझे बताएं, मुलायम सिंह यादव 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 5 साल अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने लखनऊ में इटावा में कितने सरकारी प्राइमरी स्कूल खोले। जितने प्राइमरी स्कूल हैं यूपी में वो सब गाँव में हैं, शहर में कितने हैं, गाजियाबाद में कितने, मुझे बताइए क्या, और उनमें क्या फीस है। ये जो लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अगर जो है केंद्र सरकार जवाहर विद्यालय खोल सकती है, नवोदय विद्यालय खोल सकती है, केंद्रीय विद्यालय खोल सकती है, तो जो वंचित वर्ग के हैं और जो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, ओबीसी के जो लोग वास्तविक रूप से दुर्बल हैं आर्थिक रूप से, क्या कभी किसी सरकार ने ये सोचा क्या शहरों में इनकी क्या इन वर्गों की आबादी नहीं है? और जो दलित या पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो मात्र महीने में 10-15 या 20,000 रुपए कमाते हैं, क्या वो अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, एक बच्चे के लिए 2,000 या 3,000 रुपए क्या फीस दे सकते हैं? मुझे बताइए कब किस और इसके लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, हर पार्टी समान रूप से जिम्मेदार है। नरेंद्र मोदी 10 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं, क्या किया उन्होंने? योगी आदित्यनाथ 7 साल से चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ने
अच्छी और सस्ती प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या प्रबंध किया? कुछ नहीं किया। किस पार्टी ने आज तक इस मांग को उठाया? कुछ नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में लॉ कॉलेज प्राइवेट हैं, बीएड कॉलेज प्राइवेट हैं, फार्मेसी कॉलेज प्राइवेट हैं, नर्सिंग कॉलेज प्राइवेट हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, बाढ़ आई हुई है, उनकी दर्जनों की संख्या में हो रही है। कितने लोग हैं जो उनकी फीस को अफोर्ड कर सकते हैं? और नेता क्या बोलेंगे? हाँ, इसमें आरक्षण दे दो। भाई आरक्षण मिल जाएगा, पैसा कौन देगा? सही है। और यूपी गवर्नमेंट में खड़ी एक बात है कि स्कॉलरशिप मिलती है, जो लोग आर्थिक रूप से जो लोग दुर्बल हैं उनको मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में उनको स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन किसी भी पार्टी ने ये नहीं कहा कि हम बड़े शहरों में, लखनऊ जैसे बड़ा शहर है, यहाँ 30 लाख आबादी है, यहाँ पे आधी आबादी का जो है महीने की आमदनी 15 से 20 हज़ार रुपए महीने है, अगर उसके 3 बच्चे हैं आप बताइए वो उनकी शिक्षा की व्यवस्था क्या करेगा? लखनऊ में मिनिमम जो फीस है महीने की वो 1,000 रुपए है। वीरेन जी, जी चलते चलते हम लोग योगी सरकार की जो डिजिटल पॉलिसी आई है जिसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, और ख़ास तौर से अखिलेश यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, उन लोगों के कुछ ज़्यादा ही बयान आ रहे हैं, क्या है ये पॉलिसी और ऐसा इसमें क्या है कि ये लोग क्रिटिसाइज करने पर आमादा हैं? सबकी एक ही समस्या है कि बिना पढ़े बयानबाजी सब कूदने लगे। जैसे हमारे जो इकबाल कादरी साहब हैं, जो लीडर अपोजिशन, उन्होंने बजट का स्पीच नहीं पढ़ा लेकिन उन्होंने भाषण देना शुरू कर दिया, लंबा लंबा भाषण दिया 2 घंटे का। ये सोशल मीडिया पॉलिसी 14 या 15 पन्ने की है, अगर आप उसको विस्तार से पढ़ें तो पहली बात तो उसके इतने सख्त मानक हैं कि अभी 2 साल तक तो मुश्किल से अगर 2 लोग भी क्वालिफाई कर गए पैसे के लिए तो बड़ी बात होगी। उसकी पहली शर्त ये है वो यूट्यूबर जो कम से कम 2 साल से काम कर रहा हो, जिसकी अपनी रजिस्टर्ड संस्था हो, जिसका अपना पूरा अकाउंट मेंटेन होता हो, 10 लाख सब्सक्राइबर हो। आप बताइए 10 लाख सब्सक्राइबर क्या 6 महीने बन जाएंगे? तो इतने कठोर मानक हैं उसके कि अगर अगर 2 साल बाद भी कोई, अगर सरकार उसमें अगर 5 लाख रुपए भी खर्च कर दे तो अपने आप में उपलब्धि होगी। और इतनी फर्जी खबरें चलाई जा रही हैं कि वो एंटी नेशनल स्टोरी पे सजा का प्रावधान है, कोई लिख रहा है आजीवन कारावास का प्रावधान है। कल सरकार को खंडन जारी करना पड़ा कि आईटी एक्ट में जो ऑलरेडी प्रावधान है वो वैसे ही लागू है, सरकार ने कोई नया कानून नहीं बनाया। और एक सामान्य ज्ञान की बात यह है कि सरकार अगर किसी कोई कानून बनाएगी, सजा का प्रावधान करेगी, तो वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होगा, सरकार को उसके लिए विधानसभा में बकायदा एक बिल लाना पड़ेगा, उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा। और जो कानून है वो सेंट्रल लॉ के कॉन्ट्रवेंशन में नहीं हो सकता। तो ये जो है इसको लेकर के बयानबाजी हो रही, कहुआ कान ले गया। सारे बयान जो आ रहे हैं वो केवल वो उसको बिना पढ़े बयान दिए जा रहे हैं। और सरकार ने केवल ये कहा है कि भाई हम हर साल करोड़ों रुपया विज्ञापन अखबारों को देते हैं, टीवी चैनल को देते हैं, यूपी के हर जिले में होर्डिंग लगवाते हैं, LED वैन चलवाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अगर सोशल मीडिया, और ये तो कोई इनकार नहीं कर सकता कि अब सोशल मीडिया संचार का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, इट्स ए पावरफुल मीडियम, अब इसको इग्नोर करके काम नहीं किया जा सकता। और अगर इसके चलते, इस नीति के चलते अगर जो युवा हैं और वो IT में ट्रेंड हैं, अगर वो सोशल मीडिया में आगे बढ़ते हैं और वो प्रतियोगिता में आते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है और कुछ प्रोत्साहन मिलता है, तो इसमें आपत्ति क्या है? और सरकार को भी ये मालूम है कि अगर यूट्यूबर हमारे भोंपू बन के रह जाएंगे तो ना तो उनको सब्सक्राइबर मिलेंगे, ना उनको व्यूअर मिलेंगे, तो उनको विज्ञापन नहीं मिलेगा, तो सरकार के किस काम के होंगे? सरकार के लिए तो ऐसे यूट्यूबर काम के होंगे जिसके पास कम से कम 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर हो, जिसके हर वीडियो को 5 लाख, 7 लाख लोग रोज देखते हो, वो तो सरकार के काम का है। तो लेकिन और ये बेवजह हल्ला मचाना बिना जो है उस पॉलिसी की बारीकियों का अध्ययन किए,
आप उसके जो फाइनेंशियल जो मानक सरकार ने जो निर्धारित किए हैं जरा उसको पढ़िए, बहुत मुश्किल है कि उसमें तो सीधे सीधे ये है कि सरकार कोई ऐसे ही किसी को थोड़ा नोट थमा रही है। सरकार का कहना ये है कि आप अपने वीडियो में जो हमारी सरकार की उपलब्धियों से संबंधित विज्ञापन शो करेंगे उसका भुगतान होगा आपको। तो वो तो मेन स्ट्रीम मीडिया पहले भी कर रहा है, तो इसमें डिजिटल मीडिया के खिलाफ मोर्चा खोलना या उनको सरकारी भोपू बता देना या मोदी योगी सरकार को क्रिटिसाइज करना, ये सरकारों को अल्टीमेटली तो करना ही पड़ेगा। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि सरकार ने यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए जो ट्विटर पे हैं उसमें संख्या तय की है। जैसे मैं अगर ट्विटर पे हूँ तो मेरे भी 10 लाख फॉलोअर होने चाहिए, वरना वो मेरी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कंसीडर ही नहीं करेंगे। आप बताइए यूपी में कितने ऐसे होंगे यूट्यूबर जिनकी 20 लाख 25 लाख फॉलोअर हैं, तो वो इतने उसके जो मानक हैं, जो उसकी शर्तें हैं वो इतनी सख्त हैं कि अगले एक साल में भी अगर 5 लोग भी आ जाएं तो बड़ी उपलब्धि होगी। जी जी, तो ये केवल शोर मचाया जा रहा है, बेमतलब कोई इसका आधार नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेन जी जुड़ने के लिए और कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।